तो लीजिए आ गई है चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी की रेसिपी। थोड़ा सा मस्ती करते हुए और ढेर सारी बातें करते हुए आज हम बनाएंगे इस टेस्टी सी ब्राउनी को, और हमेशा की तरह मेरे डब फैमिली करेगी इस वीडियो को भी एंजॉय, क्योंकि मैं आप सबको बोर तो होने दूंगी नहीं। तो चलिए घर पर बैठे बैठे इस ब्राउनी की रेसिपी को एंजॉय कीजिए। हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और मैं भी अभी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा तबीयत अभी पहले से काफ़ी अच्छा है, मेरा वॉइस भी अभी काफ़ी अच्छा आ रहा है, और मैं आज बहुत अच्छा फील कर रही थी, तो आज मैं थोड़ा सा रेडी भी हो गई हूँ। और थैंक यू सो मच, एज अ सिस्टर एज अ डॉटर आप सब बहुत सारी एडवाइस देते हो, बहुत सारा प्यार देते हो, बहुत केयर करते हो, थैंक यू सो मच। और आज मैं आप सबको चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी बनाना सिखा रही हूँ। मैंने राखी पर बनाया था और आप सबको दिखाया था, तब से आप सबके कमेंट्स में आ रहे, दीदी प्लीज़ चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी की रेसिपी शेयर कर दीजिए। अभी हुआ क्या, मैंने राखी में तो जब ब्राउनी बनाई थी तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी में वीडियो तो बना लिया था, बट स्टोरेज प्रॉब्लम के कारण मैंने कुछ वीडियोज़ डिलीट किए, तो ब्राउनी वाले वीडियोस भी मैंने एक दो गलती से डिलीट कर दिए। फिर अभी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं फिर से बनाती हूँ डिटेल रेसिपी और परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आप सब ट्राई करना, बिगड़ने का कोई चांस नहीं है, और टेस्ट मेरे कहने पर एक बार ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनेगा। और पता है आप सबको, मैंने ना बहुत दिल से नियॉन साइन लाइट बनवाई थी सौम्या सी रेसिपीज़ की, बट मैं वो आपको किसी वीडियो पर दिखाई नहीं पाती हूँ क्योंकि स्पेस इतना ज़्यादा कम है। अभी मैंने उसे फ्रंट वॉल पे ना ऑन करके रखा है, आपको बैक वॉल पे थोड़ा सा दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पर ट्राइपॉड मैंने सेट कर दिया, बीच में टेबल हो गया, यहाँ पर मैं आ गई, स्पेस ख़त्म हो गया। तो उसी वजह से ना स्पेस कम होने के कारण मैं आपको सही से बैकग्राउंड पर सौम्या सी रेसिपीज़ का नियॉन लाइट किसी भी वीडियो पर नहीं दिखा पाती हूँ। यहाँ पर अभी मैंने टेबल पर ना सारे इंग्रेडिएंट्स सेट करके रखे हैं ब्राउनी बनाने के लिए, और चलिए अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ, डिटेल पर बताती हूँ, और ढेर सारी गप्पे मारते हुए वीडियो को एंजॉय करते हुए आप ब्राउनी बनाना सीखिए और ट्राई करिए, घर में सबको खिलाइए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सबसे पहला स्टेप है, मैंने यहाँ पर 7 इंच का स्क्वायर शेप का केक टिन लिया है। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से बटर पेपर को कट करके केक टिन पर सेट कर दिया है चारों तरफ। तो ब्राउनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मैदा। मैदा आप पैकेट वाला ही यूज़ करिए, ये 200 ml वाला कप है, उसी से मैं मेज़र कर रही हूँ। और ग्राम में मैं आपको बताऊँ तो 130 ग्राम है मैदा। फिर आप ऐसा मत सोचना कि 200 ml वाला कप है तो हम इसमें 1 कप मैदा लेंगे तो वो 200 ग्राम हो जाएगा, नहीं। आप किसी भी चीज़ को मेज़र करेंगे ना तो वो वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, तो 1 कप मैदा में 130 ग्राम ही मैदा आता है। ये सारे मेजरिंग स्पून्स और मेजरिंग कप्स भी 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे 4 कप्स भी आपको मिलते हैं। फिर यहाँ पर मैं चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ मॉर्डे की, आप चाहो तो 2 ml भी यूज़ कर सकते हो। तो चॉकलेट हम 150 ग्राम यूज़ करेंगे। ये है कंडेंस्ड मिल्क, इसे हम 1/2 कप यूज़ करेंगे, और वेट में मैं आपको बता दूँ तो 160 ग्राम। फिर मैं यूज़ करूँगी कोकोआ पाउडर 2 टेबल स्पून। आपको जो मैंने मेजरिंग स्पून दिखाए ना, इसका सबसे बड़ा वाला स्पून है 1 टेबल स्पून, तो वो 1 टेबल स्पून होता है, उससे हम 2 बार यूज़ करेंगे। और फिर हम 1/2 कप वाटर भी यूज़ करेंगे, और ये 1/4 कप मैंने लिया है चीनी। और इसमें हम बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। 1/4 TSP से हम 3 टाइम लेंगे, मतलब 3/4 TSP। इसमें हम 120 ग्राम बटर यूज़ करेंगे, और फिर ये कुछ वॉलनट है जिसे मैंने रफली चॉप कर दिया है, कि मैं सारा मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन पर भी लिख दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा दिए हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ब्राउनी आप जब भी बनाओगे तो उसका बैटर थोड़ा सा ज़्यादा ही लिक्विडी होता है, इसके लिए आपको बटर पेपर से अच्छे से केक टिन को पूरा कवर करना है, जैसे मैंने किया है, साइड में भी नीचे भी कवर करना है, उसके बाद ही इस पर बैटर डालना है, वरना आपका सारा ब्राउनी इस पर ही चिपक जाएगा। तो चलिए अभी आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैं पहुंच गई हूँ अपने अगारो के हवन के पास, और इसे मैं प्री हीट होने के लिए रख दूंगी। दोनों कॉइल ऑन करना है हमें 180 डिग्री पर और 10 मिनट्स के लिए।
इस बात का ध्यान रखिए, आपको जब भी कोई भी चीज बेक करनी है जिस भी टेम्परेचर पर, आप उसी टेम्परेचर पर पहले ओवन को प्रीहीट कर लीजिए 10 मिनट्स के लिए। ब्राउनी बेक करने के लिए ना हमेशा आपको ओवन की ऊपर और नीचे दोनों ही रॉड ऑन करनी है। और जब तक ओवन प्रीहीट हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको 150 ग्राम चॉकलेट भी मेजर करके दिखा रही हूँ, मतलब वो 500 ग्राम का ना पूरा पैकेट रहता है। तो एक स्लैब यदि आप लोगे तो वो 125 ग्राम होता है, और फिर थोड़ा सा आपको और ले लेना है। और वेइंग स्केल में एक टेयर फंक्शन होता है, उसकी हेल्प से आप किसी भी चीज का एक्चुअल वेट ले सकते हो, मतलब बर्तन का वेट उसमें नहीं आएगा। आप कोई भी खाली पेट वेइंग स्केल पर रखोगे और फिर टेयर फंक्शन के बटन को आप प्रेस कर दोगे तो उस बर्तन का वेट जीरो हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी चीज़ उसके ऊपर रखोगे ना, आपको उसी चीज़ का एक्चुअल वेट मिलेगा, बर्तन का वेट ऐड नहीं होगा। फिर उसके बाद आपको डबल बॉयलर मेथड से इस तरह से मेल्ट कर लेना। यदि आपके पास माइक्रोवेव है तो आप 20-20 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, पर यदि आप मेरी तरह डबल बॉयलर से मेल्ट कर रहे हो तो आप चॉकलेट को एकदम छोटा छोटा सा कट कर लो। और इस बात का ध्यान रखो कि आप नीचे जो आपने पानी रखा है उसका जो भाप आता है ना ऊपर, वो आपके चॉकलेट पर ना जाए, फिर चॉकलेट मेल्ट नहीं होता है, जमने लगता है। इसलिए आपको ऊपर वाला बर्तन ना थोड़ा सा बड़ा लेना है। फिर यहाँ पर मैंने 120 ग्राम रूम टेम्परेचर पर बटर ऐड कर दिया है, और इसे भी मैं डबल बॉयलर हेल्प से मेल्ट कर लूँगी। जब बटर भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसमें हाफ कप ऐड कर दूँगी कंडेंस्ड मिल्क, जिसे आप मिल्क मेड भी कहते हो। मेरे ना मेजरिंग कप का हाफ कप पता नहीं कहाँ पर रख गया है, इसलिए मैंने 1 कप में ही हाफ कप मेजर कर लिया है। और मिल्क मेड यदि आपको मैं वेट में बताऊँ तो 160 ग्राम है। फिर इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1/2 कप वाटर, और 1/4 कप मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो आप 1/3 कप भी कर सकते हो। यदि आपको और कम मीठा पसंद है तो मैं 1/4 कप कर रही हूँ, आप उससे भी कम कर सकते हो। आप थोड़ा सा बड़ा बाउल ले लेना ताकि आपको मिक्स करने में आसानी हो। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये बैटर थिक हो रहा है तो आप डबल बॉयलर पर ही हल्का सा 1 मिनट के लिए इसको गर्म कर दें। अभी हम अपने लिक्विड इन्ग्रीडियंट्स को साइड पर रख देंगे, और यहाँ पर हम 1 कप मैदा लेंगे, और उस पर मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ कोकोआ पाउडर, और इसमें ही मैं ऐड करूँगी 3/4 टीस्पून, मतलब 1/4 टीस्पून आपके मेजरिंग स्पून पर होगा, उसको आपको 3 टाइम्स लेना है, तो वो 3/4 टीस्पून हो जाएगा। फिर सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बढ़िया से छान लेना है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जो लिक्विड तैयार किया था उसको धीरे धीरे से इसमें ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। इसका बैटर एकदम लिक्विड ही रहेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये केक के बैटर की तरह ना थिक नहीं होता है, ब्राउनी का बैटर आपको ऐसे ही लिक्विड ही रहेगा। फिर सारा बैटर आपको ट्रांसफ़र कर देना है केक टिन में, और यहाँ पर मैंने चीनी बिना पाउडर किए ही ली थी। आप चाहो तो पाउडर चीनी यूज़ कर सकते हो, बाकी ऐसी भी चीनी मेल्ट हो जाएगी। और फिर थोड़े से चॉप्ड वॉलनट आप मैदे में कोट करके या फिर ऐसे ही ऊपर स्प्रिंकल कर देना। सच बता रही हूँ आपको, मुझे वॉलनट खाना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी तरह आपको भी क्या वॉलनट पसंद नहीं है क्या, मुझे कॉमेंट करके बताना। बट इस तरह से ना मैं ब्राउनी के साथ वॉलनट ईजिली खा लेती हूँ। तक आप इतनी प्रोसेस करोगे ना, आपका ओवन भी बढ़िया से प्री हीट हो चुका होगा। अभी हम अपने इस बैटर को रख देंगे ओवन में। याद रखना है आपको ऊपर और नीचे दोनों ही कॉइल ऑन होनी चाहिए 180 डिग्री पर। इसे आपको 30-40 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, ये आराम से बेक हो जाएगा। तब तक यहाँ पर ब्राउनी बेक हो रही है और मैं बोर हो रही हूँ, तो यहाँ पर मेरा पागलपन चल रहा है। मैं आपको अपना किचन टूर भी दे रही हूँ फिर से। यहाँ पर पागलपन करते करते इस बीच मैंने ढेर सारे जो बर्तन भी फैलाए थे वो भी धुल दिए हैं, और यहाँ पर हमारा ब्राउनी भी बेक हो गया है। इसे हम ठंडा करने के बाद डीमोल्ड करते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कितना प्यारा आया है ना। और खाने में तो ये मुंह पे घुल जाने वाली, मतलब आप यूँ समझ लो चॉकलेट ही चॉकलेट भरा हुआ है इसमें। तो जो चॉकलेट लवर हैं उनके लिए तो ये चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी बहुत बढ़िया चीज़ है, उन्हें तो बहुत पसंद आने वाली है। और मुझे ना ब्राउनी हमेशा गर्म गर्म ही अच्छी लगती है। यहाँ पर भी मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ, और आप ना टूथपिक से चेक कर लेना कि आपका ब्राउनी बेक हो गया है या नहीं, उसके बाद ही आप निकालना, अदरवाइज आप उसे 5-10 मिनट्स और बेक कर देना। तो ये लीजिए आपका चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी रेडी है, और ये पीस है मेरी एट फैमिली के लिए। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, मतलब मुँह में रखते ही ना घुल जाएगा चॉकलेट से भरा हुआ। ब्राउनी बनाने के लिए मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं, नेम विथ क्वान्टिटी,
कप में, ग्राम में, सारा कुछ मेजरमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी। और वैसे तो मैंने स्क्रीन पर साथ ही साथ मेंशन भी किया है, बोलकर भी बता दिया है। आई होप मेरे टू फैमिली के लिए इजी रहा होगा अब ये ब्राउनी सीखना और बनाना भी। तो चलिए अभी आप सब ट्राई करिएगा और फिर मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कैसा बना। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।